गाइस नीतू एक नया सफाई अभियान स्टार्ट कर चुकी है। तो इसमें आप देखोगे अरे ये क्या डाल दिया। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने नाखून काट के जाए। ओए लखनीत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुस्ती आंखों से कीर्ति ने गुड मॉर्निंग की है। एक में एनर्जी है, नहीं दो में एनर्जी है हमारे घर में सुबह सुबह। नीतू और टेडी, डूची और पापा दोनों रहते हैं सुस्त। क्या हुआ रात तेरे साथ? देखो यार, मेरा एक सॉक्स खो गया सोते सोते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोते सोते खो गया सॉक्स? हाँ, मिल ही नहीं रहे। अरे और गुजी सो कहाँ रही थी? ऐसे तो बेड पे सो रही थी ना। अच्छा जी, कैसे निकल गया शायद बेड में। अरे वाह, गुची के साथ ही वैसे होता है। गुची का नहीं, ब्राउनी का है। गाइस अगर आप लोग चाय ब्रेड नहीं छोड़ पा रहे हो, एटलीस्ट आप ब्राउन ब्रेड पे स्विच हो जाओ। जैसे कि मैं हो गया, मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड है ये, तो व्हाइट ब्रेड से तो ज्यादा ठीक ही है। एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये सिर्फ चाय पीती है, उसमें चाय में 70% पानी होता है। इसको हम दूध वाली चाय नहीं देते। हाँ लगन, हम एक एंट्री दिखाते हैं हमारे राजू भाई। राजू भाई वेलकम बैक। और इन्होंने बताया नहीं, कहते हैं मैं 6-5 कितने तारीख को बोला, 5-6 तारीख को बोला। और देख आज ही आ गए। जल्दी आने का मतलब क्या था? मेरे बिना मन नहीं लगा होगा भाई। है मन नहीं लगा था आपका? झूठ तो मत बोलो कम से कम। नहीं सही है, मन नहीं लगा उधर। बोर हो जाओ खाली। अब यहाँ दीदी है ना, आज से मन लगा देगी सही से। दीदी के जाने में बहुत खुश होते हैं राजू भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत ब्लॉग। आज भी शुरुआत हमारी भगवान जी के साथ हो रही है। और देखो कल भगवान जी के कपड़े, ये सारा सब कुछ चेंज किया है, नया लगाया है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ और वर्कआउट करके सीधे नहाने गई हूँ। ना ठंड में तो नहाने में आलस आता है, ऐसा लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों आता है। एक बार आप नहा लो ना, उसके बाद फ्री हो जाते हो। आज मेरे साथ ब्राउनी नहीं है क्योंकि वो सो रहा है और मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मैं थोड़ा सा भी चिल्लाई तो वो गेट पर रोएगा, फिर लखन की नींद ख़राब होगी। तो मैं चाहती हूँ लखन एटलीस्ट 8:30 तक तो सोए, और अभी 8:00 यहाँ पे नीतू की तैयारी चल रही है डांस प्रैक्टिस की। रोहित की शादी के लिए डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेतू हमारी कंजी बिंदा नहा रही है अभी, मैं भी नहा ही लेता हूँ टाइम से। यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं इस वाले अलमीरा में। तो मैंने कल आपको बताया था, आज हम अपनी शादी की एल्बम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं भूला नहीं हूँ, टेंशन मत लो। और देखो मेरे पास आज कितना क्यूट से एक बच्चा बैठा हुआ है, जबकि नीतू के पास रहता है पूरे टाइम। ये वो अंदर अपना मेकअप कर रही है और ये है मेरे पास बैठा है। मैं यहाँ पर लंच के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। हमारे लंच में है दाल, मटर पनीर बनवाया आज, और रोटियाँ मैं खाने वाला हूँ। टीवी भी ऑन कर लेता हूँ अभी। पहले भाग जाता है मेरे से दूर और फिर वहाँ से देख के फिर भागा भागा आया। चले जा, ले जा उसको, ले जा। अब देखना कैसे भाग रहा है, अभी देख नहीं रहा मेरी तरफ। फिर उसको बहुत दूर जाके रियलाइज होगा कि मैं नहीं हूँ, फिर भागता हुआ आएगा वहाँ से। ए यार गुची, तेरा क्या करूँ मैं तेरा। अब उधर जाएगा भागता भागता, फिर उसको बहुत दूर जाके रियलाइज होगा कि मैं पीछे नहीं आ रहा, फिर आएगा भागता हुआ। भाई सच्ची में इतना बड़ा वाला कार्टून है, देखते रहिए पुनीत। अभी से बहुत दूर जाके रियलाइज होगा, फिर ऐसे पीछे मुड़ के फिर भागता भागता आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से सीधा पीछे चला जाएगा। अरे गुजी देख कैसे भागता भाग रहा है यार, ये कार्टून ही है भाई सच्ची। हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ। छोटे ने जो इसे आज घुमाने ले आया, इधर आ। छोटे घुमा रहा है, तो क्या हो गया? मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ नोएडा के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ काम है मुझे। और अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसके लिए यार काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है। बस मैं बहुत जल्दी से कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ से नोएडा की तरफ। भाई साहब मौसम देखो कैसा हो रहा है नोएडा में यार, मतलब सामने देखो आप, कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा। उधर तो देखो आसमान से नीचे तो कुछ है ही नहीं, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा। ये पॉल्यूशन है आई गेस, क्योंकि ये फॉग तो इस टाइम नहीं होता, बट सूरज भी नहीं दिखे आज बिल्कुल भी। सूर्य देवता में नज़र ही नहीं आए। गाइस यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और जो मेरा काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। वापस अब मैं घर जा रहा हूँ, और आज कुछ मैंने और व्लॉग बनाया था, जो कि मैं सीन्स अभी नहीं डाल रहा, वरना नीतू को पता चल जाएगा। अब आप वो व्लॉग कल देखोगे, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाला मैंने प्रैंक करने की कोशिश की नीतू के ऊपर, जो कि अभी नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेदर। लेकिन आप कल के व्लॉग में देखना कितना आपको मज़ा आएगा। देखो कितनी बारिश पड़ रही है यार यहाँ पे, और जाम देखो कितना है। गाइस मैं जस्ट अभी घर में आया हूँ यार, शोर मच रहा है बहुत ज़्यादा। ये क्यों शोर मच रहा है यार? इसको एक सजा मिल रही है, बाद में बताऊंगी। मेरा इसी की सजा मिल रही है इसको? चुपचाप नहीं गया है, पिटा गया है। अच्छा तो ऐसी सजा
सैंडी भाई यार ये ना छूटे भाई, ये नहीं छूटे। ओह, तुम्हारे से पकड़ लिया है, पता नहीं क्यों क्या हुआ। सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, किसी के भी। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। गाइस नीतू एक नया सफाई अभियान स्टार्ट कर चुकी है, डेली किसी को पकड़ती है, डेली वैक्सिंग करती है किसी की। भाई भाई देखो, मैंने नीतू के डर से खुद ही हटा दिया ट्रिमर से सारे। गाइस सुनो, अबे याद है क्या, ये देख ट्रिमर से खुद ही हटा दिया। मुझे पता था ये तो हटा दिया। तो तुषार भाई ऐसे किसने लगा, भाभी भाभी ये मुंह पे लगा दूं भाभी ना, क्या उसके पेट पर पागल हो भैया। अभी चलो भैया, नहीं तो वहां लगा के वहां पर तो ऑलरेडी है, बर्बाद कर दी है। तेरे कुछ नहीं हुआ तुषार? अरे कुछ देखियो भाई, क्या है तू, इसको हुआ ही नहीं कर रहा। उससे ज्यादा दर्द तो सैंडी भाई को हुआ है, उसके कुछ ना होने का दर्द सैंडी भाई को ज्यादा हुआ है। सैंडी भाई अंडर लाओ, कैसा लगा? बहुत ज्यादा है, लड़कियां चिढ़ रही होगी। तू क्यों आ रही है गंजी, तू क्यों आ रही है, तू देख भी नहीं पाती ये सब, तू आई क्यों फिर अभी यहाँ, बता दो। मैं भी गाइस बिजनेस के काम से आया था, पर मैं इसकी तरह शो ऑफ नहीं कर रहा। वाह नहीं तो कौन सा डांसर देखे, गुड यार गुड गुड। बस नहीं तो क्या हुआ, क्या देख रहा है? देखो भैया कितने कपड़े भाई ले रहा हूँ मैं, ये प्लास्टर है। वाह सैंडी भाई वाह, भाई डूची सेफ महसूस नहीं कर रहा, डूची भी कोना ढूंढ के यहाँ आके बैठ गया बिल्कुल। गाइस मुझे इतनी तेज भूख लगी, जबकि मैं सुबह खा के गया था, बट पता नहीं क्यों बहुत तेज भूख लगी, बाहर का कुछ नहीं खाया, सीधा घर पे बोला कि भाई खाना लगा दो मेरे लिए और आके सीधा खाने पे बैठ जाऊंगा मैं। तो ये रहा हमारा खाना। तो यार ये जो खोल कर मेरे को इरिटेशन होती है, पता है क्यों, क्योंकि ये ना पूरा ग्लास का है। अब जब रात के टाइम क्या होगा, बाहर से अंदर का ना मतलब सब दिखता है, तो यार प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाती फिर। सो गाइस जहाँ पर हमारा खाना चल रहा है, अब मैं राइस कर रहा हूँ, सुबह मैंने रोटियाँ खाई थी और दीदी चली गई है सामने वाले रूम में, डूची हमारा वेट कर रहा है कि इसका भी खाना अब मिलेगा इसको। गाइस मेरे साथ एक स्यापा हो गया है, मैंने आज लाइव आने के लिए बोला था अपनी YouTube फैमिली को 7 बजे और मैं 7 बज गए, यहाँ के बैठ के देख रहा हूँ कि हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा, मुझे अनफॉर्चुनेटली बाहर जाके लाइव आना पड़ेगा। कल ही वाईफाई लगवाया और आज इसका पासवर्ड चेंज हो गया और अपने आप हो गया, भगवान जाने। तो गाइस जैसे अभी मैंने अपना लाइव सेशन खत्म करा और हमारा अभी तक प्लान बन रहा था कि हम 2 फरवरी को आ रहे थे आगरा ताजमहल, अभी हम वो चेंज करके हम जा रहे हैं 3 फरवरी को। तो जिन भी लोगों को मिलना हो 3 फरवरी को आगरा आ सकते हो, ताजमहल हम लोग अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास वहाँ पे होंगे, लेकिन आप लोग हमारी इंस्टा स्टोरी पे अपडेट चेक करते रहना कि हम एग्जैक्टली किस टाइम वहाँ पे आ रहे हैं, हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं वहाँ पे। और पहले पता है हम 2 तारीख को आ रहे थे, किसी ने बताया हमें कि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद होता है, तो फॉर्चुनेटली टाइम पे मैंने वो कमेंट पढ़ लिया और हमने अपने प्लान चेंज कर लिए। अब हम फ्राइडे नहीं सैटरडे को आ रहे हैं, मतलब 3 फरवरी को आप सबसे हम आगरा में मिलेंगे। जितने भी लोग आसपास के एरिया को प्लीज़ वहाँ आ जाना, क्योंकि इसके बाद फिर हम शायद साउथ डायरेक्शन में कहीं जाएंगे, वहाँ पे लोगों से मीटअप करेंगे, तो ये चांस सबके लिए है। सो गाइस ये रही हमारी, ये तो एंगेजमेंट एल्बम है नीतू, वो वेडिंग वाली ये है। हाँ तो आज हम कौन सी खोले इनमें से, वेडिंग आज वेडिंग खोले एंगेजमेंट, आज एंगेजमेंट खोलते हैं, आज एंगेजमेंट कल वेडिंग एल्बम। नहीं आसिफ मेरे पिक्चर दिखाते हैं, ए तू तो जा यहाँ से, आज एक काम करते हैं। हाँ ठीक है, आज हम एंगेजमेंट वाले एल्बम खोलते हैं, ठीक है, और फिर हम बाद में खोलेंगे वेडिंग एल्बम। ठीक है, क्या हो रहा है रूम के, क्या कर रखी है? मैंने नहीं किया भाई कुछ भी। तो इसमें आप देखोगे हम दो, ये एंगेजमेंट की थोड़ी है। अरे एंगेजमेंट की ये है भाई, ये 3 है 4 है, आई थिंक 4 है, तो यहाँ तो 3 ही है अभी, अभी तो हम ये वाली खोल देते हैं। शादी की है, शादी की यार, नहीं यार फोटो एंगेजमेंट वाला लग रहा है, सॉरी वो वाला एंगेजमेंट का मैं भूल गया। यार इतनी बड़ी बड़ी एल्बम्स, उल्टा खोल दो। हाँ ओके, ये वाली एंगेजमेंट की है, यस। तो हम शुरू करते हैं, ओए 3D है यार फोटो देख। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले बता दूं, जो मेरा आपको नेकलेस दिख रहा है वो काफी ज्यादा लूज था, मैंने उसकी फिटिंग नहीं कराई थी, मुझे एंड टाइम पर पता चला,
और दूसरी चीज मैं बता दूं कि मेरा मेकअप बहुत ज्यादा खराब हुआ था, बहुत ओवर वाइट कर सब दिया लोगों ने ये इसको मैसेज किया था। हाँ। आप लोग कभी भी जब, क्योंकि स्पेशल ओकेजन होता है, आपकी शादी होने वाली है, कोई बहुत स्पेशल ओकेजन है, तो आप उससे दो तीन दिन पहले सेम मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके अपना मेकअप करा के देखना। नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, ऐसी गलती मत करना। इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ मुझे ना ब्लश लगाना बहुत पसंद, मैंने उनको पिंक कर दो और पिंक कर दो, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पिंक कर दिया था जब एंड खत्म हुआ था मेकअप। अरे सब, तुम्हें पर्पल लगाने का शौक आया? अरे वो मेरी ड्रेस के साथ, 4 महीने। समझी ना, चुप कर, तू बताएगी नहीं तुमको। मैं आपको चीज बताता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ एंगेजमेंट टाइम का। एंगेजमेंट पे कुछ वैसे तो रिचुअल नहीं हुए, सिर्फ रिंग पहनानी होती है। अच्छा, मैं, मेरे से कोई एडवाइस मांगेगा ना एंगेजमेंट पे कि क्या एडवाइस दूंगा, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने नाखून काट के जाना। अच्छा, क्योंकि एंगेजमेंट हो रही थी और जब मैंने भाई वो फोटो लिए ना एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाले, मैंने देखा मेरे नाखून नहीं कटे हुए थे, मेरे को इतनी शर्म आई यार वहां पे। तुम्हें पता है, तुम चलो, तुम्हारा तो ये सीन था, मेरे याद है मेरा फंगस हो गई थी नेल में। हाँ। वो 1 साल लगा था उसको ठीक होने में, 1 साल नहीं 9 महीने लगा। यार मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, उस टाइम काफी ज्यादा वेट था मेरा। बाय द वे बता दूं, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग नहीं है, एंगेजमेंट रिंग ये वाली। ओके, यहाँ पे काफी सारे फोटोज हैं और ये हमने एंगेजमेंट के बाद क्लिक कराए, नहीं बीच में जाके क्लिक कराए हमने फोटोज सब। अरे 2021 में हुई थी हमारी। हाँ, फिर 22 पूरा निकला, फिर 23 में शादी हुई। अच्छा। हाँ, तेरे को यही नहीं पता? मुझे ऐसा लगा था 22 में हुई थी। हाँ नहीं, 21 में। हाँ, 21 में हुई ना हमारी। अच्छा, लगन की बियर्ड बहुत 22 में हुई है। अच्छा ये, अच्छा ईयर। हाँ, डेट पूछ रहे। तू तो ये अलग ही पागल है। ये फोटो अच्छा लग रहा है मेरे को अपना। नहीं, सोचता हूँ सोशल मीडिया पे दोबारा डालूं। अगर आप लोग 200 के लाइक कर दोगे व्लॉग पे तो मैं डाल दूंगा। चलो चलो, देखते देखते यार, ये वो रिजॉर्ट जहाँ पे हमारा हुआ था उसका पूरा लिया हुआ है। ये हमारा घर सजा हुआ था, यहाँ पे काफी सारे गेस्ट हैं। ओके, 2021 मुझे पता है 2021 में हुई थी। ये हमारे भाई ये हैं, आपको अपने दोस्त दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये मेरे दीक्षित भैया हैं और इनसे मैंने लाइफ में इतना कुछ सीखा। इनका नाम है लोकेश दीक्षित। भाई इस बंदे ने जितना मेरे को लाइफ में सिखाया इतना किसी ने नहीं सिखाया। और ये लोग, ये पता है इनकी मैं कभी स्टोरी आपको बताऊंगा, जब बोलता ना जब सब साथ छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया से पहले की बात बता रहा हूँ, तब ये बंदा मेरे साथ था यार। मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो मैं यहाँ तो नहीं बता पाऊँगा, बट बहुत साथ दिया इन्होंने मेरा और मेरे बहुत क्लोज है ये। ये देखो मेरी फोटो, उस टाइम पे ना मैं बहुत ज्यादा हैवी बियर्ड रखता था, आप ध्यान से देखो। अच्छा, लगा एक मिनट, उस टाइम हमारा दोनों में से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए थे। हाँ, ये भी नहीं था और डूची भी नहीं था। ए भगवान, तुम्हारा क्या करूँ मैं। गाइज ये फोटो देखो, अग्रता, कुहू, मेरी दोनों बहनें आई थी। शादी में नहीं आई थी लेकिन कुहू। अरे कुहू उस टाइम थी नहीं शादी के टाइम पे, यहाँ पे वो लंदन थी। यहाँ पे देखो, ये दीदी भी है इस फोटो में। यहाँ पर दीक्षा और हमारी पूनम बहन दोनों, हमारी चंदो और पूनम दीदी, मेरी नंद ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। और यहाँ पे पाई के सब दोस्तों के साथ फोटोज हैं। यहाँ पे रिक्की का फोटो है। ये हमारी मम्मी की पूरी मित्र मंडली। यहाँ करण का फोटो है। ये तेरे फोटो कहाँ पे है भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं देखो, मेरे यहाँ पर फोटो रखा हुआ है। यहाँ पर तुम्हारा फोटो होना चाहिए था ना, मतलब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए था। ओहो, रिंग सेरेमनी ऑफ लखन एंड नीतू। और ये हमारी एंट्री का सीन है, नीतू याद है ये वाला सीन? हम लेट हो गए थे, इतनी नर्वस थी यार। यहाँ पे देखो, फिर मैंने नीतू का हाथ पकड़ा था इसके कुछ देर बाद। मैंने कहा तू सारी नर्वसनेस अपनी भूल जा, ये फोटोज देखो आप। तो दीदी हमारी सजेशन दे रही है कि बोले क्लिप्स में बीच में डालूं। भाई लोगों के पास वो व्लॉग्स ऑलरेडी हैं एंगेजमेंट वाले, देख सकते हैं। ये देखो, ये दीक्षित भैया मेरे साथ यहाँ भी हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही थी। फोटो बड़ा कैंडिड सा आया और बहुत अच्छा फोटो था। वो मैं हूं, लखन। कहा? ओ हाँ, कीर्ति दिखी, कीर्ति दिखी, कीर्ति दिखी। यहाँ पर एंट्री के टाइम पे हमारी दोनों माएँ पास थी, दीक्षित भैया थे साथ में। और ये कुछ प्यारे से फोटोग्राफ्स। कहा है? ओ हाँ, थोड़ी सी दिखी, थोड़ी सी दिखी। वाह यार, तो यहाँ स्टेज पे जाने से पहले एक फुल फैमिली का फोटो, फुल फैमिली तो नहीं है लेकिन फैमिली का फोटो हुआ था। और स्टेज पे देखो हमारी एंट्रेंस कैसे हुई थी, जिन लोगों ने उस टाइम हमें नहीं देखा क्योंकि पूरा लाइव था वैसे तो, ये तो ऐसे करके ये क्या था, लोटस, लोटस था और लोटस में से हम ऐसे निकले थे। इसकी एंट्री थोड़ी सी खराब होगी,
भी सोनी दीदी ने बहुत गुस्सा किया था उन मतलब ऐसा होना चाहिए था ना कि हमें लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि उसके पीछे हम है और हम क्या था लाइट वाइट चला रखी थी हमारा तो दिख भी रहे थे लोगों को पहले से पहले दिख रहे थे तो गैप भी बहुत था इनके बीच में। एक चीज याद आई जब हम लोग इसके ऊपर चढ़े थे ना तो सोनी दीदी बिल्कुल मेरे सामने मैं सोनी दीदी को सुन रही हां सोनी दीदी ये देखने से पागल को है ना दीदी याद है आपको मुझे याद है मैं आपको देख रही एंट्री हुई। अच्छा पता है एंगेजमेंट पे इन्होंने मेरे को एक बड़ा टास्क दिया मेरे को स्टेज पे बोला कि आप कुछ गाना गाओ इसके लिए तो कर्मा मूवी का गाना है ना दिल दिया है जान भी देंगे तुम्हारा गाना तो नीतू को नहीं पता था नीतू को नहीं पता था कि ये गाना इसको लगा ये गाना वो है ऐ वतन तेरे लिए जबकि उसका एक दूसरा वर्जन है कि ऐ सनम तेरे लिए तो मैंने इसके लिए स्टेज पे गाया था दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए और इसको पसंद नहीं आया बिल्कुल। और लेकिन मैंने कौन सा गाना गाया था तूने सिर्फ तुम क्यूट लगते हो इसलिए मैं तुम्हें पिटती नहीं हूं क्या गाया था इसने बट मैंने तुम्हें मना कर दिया मैं नहीं गाऊंगी गाना जबरदस्ती बोला गया था खुद को इनमें मत ढूंढ तेरे फोटो होंगे एक दो लखन, लखन, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ देख कहाँ है ये ड्रेस मेरी है मतलब दिख भी नहीं रही है ये देखो पीछे को मुंह है इसको अपना अपने को चल तू बैठी हाँ तू बैठ जा कोई नहीं यार ये वाले फोटोज देखो आप हमारे ये मैं पीछे लेकर गई थी दीदी हाँ वहाँ पे क्लिक और ये देखो मेरा होंठ कितना मोटा लग रहा है जबकि मैं बहुत स्लिम है मेरे होंठ। वाह ये वो मोमेंट है जब मैंने दीदी को स्टेज पे प्रपोज किया और यार मैं स्लिम लग रही थी ये वो मोमेंट है जब मैं इसके लिए गाना गा रहा था लगा मेरा पेट कितना अंदर लग रहा था ना वो मोमेंट है जब हम सब वो कान बंद करने पड़ गए थे नीतू ने गाना गाया था हाँ थोड़ा सा नीतू यार ये तो बेइज्जती हो रही तेरी यार मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी आपसे फिर उसके बाद मैंने नीतू को रिंग पहनाई थी फिर मैंने नीतू के फोरहेड पे किस किया और ये मैंने बोला था लखन को करने के लिए स्टेज से पहले लखन कुछ कुछ कर देना कुछ कर देना कुछ लखन है बहुत मुश्किल फिर मैंने हक किया था फिर नीतू ने मुझे रिंग पहनाई थी ये वो फोटोज हैं आप देख सकते हो मेरे नाखून बड़े हुए हैं फिर मैंने पाई को स्टेज पे बुलाया था खुद से स्पेशल फरमाइश पे और पाई के पैर छुए थे वहाँ सबके सामने स्टेज पे बुला के मतलब छुए भी क्या थे पूरा दंडवत प्रणाम किया था पाई को स्टेज पे बुला के अच्छा टाइम था यार हाँ सब सारी मेमोरीज दोबारा से यहीं पे ये देखो स्टेज पे फिर मम्मी और पाई दोनों है ध्यान से देखो नीतू और मम्मी का कितना प्यारा सा फोटो है ये बहुत बहुत अच्छा सब कुछ रहा ओह हो मूवमेंट मेरे सुपरस्टार मेरे बाबूजी बाबूजी को चेन पहनाई थी स्टेज पे बुला के ये नीतू की मम्मी भी स्टेज पे आई थी सैंडी भाई है अच्छा मम्मी को बोला गया माइक पे बोलने के लिए तो मम्मी बोल नहीं पाई थी मम्मी कह रही अरे मैं क्या बोली एकदम से मम्मी ने माइक थमा दिया मम को ये देख सकते हो आप स्टेज के टाइम की ये मेरे फ्रेंड प्रशांत भैया भी आए हुए थे ये उनकी मम्मी है केशव की मम्मी है अच्छा केशव भी तो है एक फोटो में अभी केशव भी मेरे को नहीं पता मैंने नहीं देखी ओ ये नीतू का डांस है इसने डांस परफॉर्मेंस दिया था बहुत ही गंदा था वो उस टाइम मुझे डांस का डी नहीं आता था लेकिन अब डी और ए आता है इन्होंने स्टेज पे एंकर ने ये मेरे दोस्त हैं वेद भाई इन्होंने बाबूजी को स्टेज पे बुलाया था ये देखो यार बाबूजी आकाश आप होते बाबूजी हैं यार हमारे साथ तो है हाँ हमारे साथ है सच्ची यार हमें फील होता है बाबूजी का आशीर्वाद है पूरे टाइम अरे क्या डाल दिया क्यों डाल दिया बैड डांस किया था मैंने यार ये मैं और नीतू हमारा भी एक डांस था जिसमें मैं स्टेप भूल गया था दिव्या दीदी की एक भी फोटो नहीं दिखी है यार क्या दिव्या दीदी की एक भी फोटो नहीं है कहीं ना कहीं तो होगी नहीं है कहीं पर भी नहीं दिखी मुझे यार एक ही एल्बम में क्या दूसरी भी है यहाँ पर ये दीदी का डांस यार ये तो कैमरा पकड़ ही नहीं पा रहा है इतनी क्लियर फोटो है और साची भी है साची भी दीदी का डांस है यहाँ पे देखो ये नीतू और मम्मी के फोटो और नीतू और मम्मी का एक डांस हुआ था यहाँ पे अब पाई ने हमारा थोड़ा सा डांस खराब कर दिया था पाई को हाथ देना था तो मम्मी ने पीछे से गुस्सा किया तो मैं हाथ देना तुमने क्या कर दिया था दीदी अब हम दूसरा ओ अब दिखी मेरी बहने ठीक से दीदी इनका भी फोटो है दोनों का ये दोनों डांस कर रही है यहाँ पे नीतू ने एक स्पीच दी यहाँ पे स्पीच नहीं दी थी एक्चुअली हम तीनों ने डांस रिहर्सल नहीं की थी तो मैंने बोला था अगर हम गंदा करेंगे तो आप प्लीज खुशी खुशी देखना ऐसे करके कुछ बोला था मैं तो बहुत दुखी थी आप क्यूट भी हो ना मगर लक्सु यार ये क्यों नहीं हो रहा यार लक्सु मैं करती हूँ ना खत्म हो गई है शायद इसलिए नहीं अभी एक और है एंगेजमेंट एक ही लाए हम शायद और भी हैं एल्बम सभी तो यहाँ पर कुछ कपल थिंग हुई थी जो कि गेम हुआ था हाँ तो ये थी हमारी एंगेजमेंट की पिक्चर्स अभी और भी एल्बम है वो हम आपको टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे इसके बाद हम आपको शादी के एल्बम दिखाने वाले हैं कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में लाइक कर देना आज तो आपको टारगेट मिला है कुछ लाइक कर देना बहुत सारे और कमेंट करके बताना कैसा लगा बाकी हम कल आपको मिलेंगे और आप भूलना नहीं परसों हम लोग आ रहे हैं गाइस हमारा जो एंगेजमेंट था वो पूरा लाइव था हम लोगों ने पूरा लाइव रखा था वो एंगेजमेंट हमें और उसके व्लॉग्स भी हैं अभी भी उसके व्लॉग्स हैं वो व्लॉग है आप देख सकते हो जाके हम बीच में क्लिप जरूर डालेंगे बहुत मजा आया था बहुत मजा
तो आई होप आपको ये व्लॉग देखने में उतना ही मजा आया हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना जितना हो सके, और दूसरा का फोन चोरी करके भी लाइक कर देना फिर वापस रख देना ताकि चोरी का इल्जाम ना लगे। बाय बाय।